पाकिस्तान की तारीख के शायद सबसे बड़े ऑफ स्पिनर बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं सईद अजमल, ऑल्सो नोन एज साइंस इज द मैन। जी हाँ, छह साल के बाद रजिस्टर्ड क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, गेम को टर्न करने में कामयाब हुए। मिस फील्डिंग हुई। सईद अजमल कप्तान है आज, अगर कप्तान नहीं भी होते तो ये गवारा नहीं करते इस तरह की अदा किसी भी फील्डर की, इनकी गेंद पर गुरंज दे दे, बहुत बुरा मनाते हैं। गो की सूरत हाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके आसार हैं। गेंद नीचे रह गई, क्रॉस खेलने चले गए थे, बहुत जल्दी हमीद बीट हुए। कोशिश करनी चाहिए कि सीधा खेलें, सीधे बल्ले से खेलें, या फिर आप कदमों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना आपका आम घूमना चाहिए। सईद अजमल अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। जो पेस है, मुझे लगता है सबसे जो नेगोशिएट करना होगा बैटर्स को, सईद अजमल की पेस है, क्योंकि इतनी स्लो बॉल करते हैं कि काफी मुश्किलात हो जाती हैं बैटर्स के लिए। ये कितना क्या एंगल होना चाहिए, जिसकी वजह से जो दूसरा है उसका आर्ट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये तेज बॉल था, जितना सईद अजमल पीछे को अपनी बॉडी लेके जाते हैं वहां से अंदाजा हो जाता है कि ये बॉल तेज करने लगे, फोर्स पीछे से आती है। तो उनके लिए आइडियल हालात होते हैं। ग्यारहवां ओवर सईद अजमल लेकर आए हैं। नवीदुल हसन ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन सईद अजमल ने अपनी रफ्तार और कम कर दी। और स्वीप किया, दो फील्डर माइल हो रहे हैं गेम की जानिब, और ये बहुत ही अच्छा कैच। सकलैन जिन्होंने आज बड़ा उम्दा स्पेल किया था, चार विकेटें हासिल की थी, अच्छा रनिंग कैच लिया, और सईद अजमल उनकी कोशिश से इस वक्त बेहद खुश। टीम कितनी मुश्किल में बिलाशुबा, लेकिन कुछ ज्यादा सुना नहीं लगता है। बैटर ने पहली ही गेंद उठाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से डिपॉजिट कर दी छह रन के लिए। एक बार फिर गेंद को फ्लाइट किया और इस बार विकेट ले ली सईद ने, अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर वसीम का। सईद अजमल ने अपनी लेंथ जरूर कम की, लेकिन फ्लाइट नहीं, और ये दलेरी का मुजाहरा था कप्तान की जानिब से। छक्का लगने के बावजूद गेंद को उन्होंने हवा दी, यही हमेशा से खूबी रही, यही कामयाबी का राज है सईद अजमल का। बेशक एक बड़ी हिट खाने के बाद भी उन्होंने फ्लाइट दी, इनवाइट किया बैटर को, चैलेंज दिया कि वो दोबारा एक मरतबा फिर इस शॉट को रिपीट करें, और कामयाब नहीं हुए सजावल। सईद अजमल की इस गेंद पर मौका था एक और विकेट हासिल करने का, और दोनों एंड पर, और बाल बाल बचे, पहले बैटिंग एंड पर उमैर और राणा नवीदुल हसन के दरमियान गलतफहमी पैदा हुई, और इसके बाद फिर एक मौका मिला रन आउट करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बड़ा कामयाब ओवर सईद अजमल का। मोहम्मद उमैर सामना करेंगे इस बार सईद अजमल का। एच किया और मिस कर गए खुरम शहजाद, एक सीधा चांस था ये, सईद अजमल ने भी एंजॉय किया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है आई एम श्योर कि अगर कोई और मामला होता तो उनके मुंह पर इतनी स्माइल बड़ी ना होती। सीधा कैच था, फ्लाइटेड डिलीवरी, खुद ही इशारा कर दिया सईद अजमल ने, लगता है ऐसे कि डाउन द लेग साइड ये गेंद जाता हुआ। और इस बार फिर बिल्कुल समझ से बालातर थी ये उमैर के लिए, विकेट कीपर भी इस गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके। जी वाहिद ने सेंचुरी इस मैच की, और मिस कर गए इस गेंद को मोहम्मद उमैर, बड़ी मुश्किल से रीड कर रहे हैं ऑफ द विकेट ही सईद अजमल को। किसी भी लम्हे पर ये इनिंग्स समेटी जा सकती है, और यही कोशिश होगी सईद अजमल की। तेज गेंद था स्टंप्स पर, एलबीडब्ल्यू का
चांस बनाने के लिए, लेकिन इसे ब्लॉक किया उमर ने, ओवर का इख्तिताम हुआ।